इस समय हम बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में हैं और एक गांव में हुए हैं। और इस गांव का पहले भाई साहब क्या नाम है इस गांव का? इस गांव का नाम भैया जी खटैया है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत सरौरा से है। अच्छा, और ये खड़ंजा तो लगा है, मान लीजिए कि नाली बनी नहीं है। यहाँ तो बहुत गंदगी है, यहाँ तो पूरा हाँ, नाली में ही तब्दील हो गया है। ये कोई सफाई कर्मी आता नहीं तो गंदगी तो रहेगी भैया। अब मान लीजिए किसी का द्वार है, किसी के मकान के पास है, तो साफ कर दिया कर देता है। फिलहाल अब आम रोड पे कौन साफ करेगा? कोई नहीं साफ करेगा। जब सफाई कर्मी नहीं आता है, सफाई कर्मी यहाँ नहीं आता है, करीब करीब हो गए हैं एक साल तब से सफाई कर्मी नहीं आया है। ये जो नाली है इसमें तो नाली दिखी नहीं रही है, किनारे तो कुछ किया नहीं है प्रधान जी ने आके? किसी ने, कोई नेता नहीं आया कि भाई ये इतनी गंदगी सामने दिख रहा है? नेता आते हैं तो वही आते हैं जो इलेक्शन में आते हैं, वोट दीजिए हम सब करा देंगे, गांव को जो है शहर में मिला देंगे, बस यही होता है और क्या। देख सकते हैं गांव जो है बता रहे हैं कि गंदगी में पड़ा हुआ है। गंदगी के जो आप साफ तौर पे जो सड़क जा रही है देख सकते हैं, सड़क जो है ये पानी सड़क के बीचों बीच में है, और यहां पे सड़क के क्या कहते हैं जो अंदर पानी के साथ ही कूड़ा भी है, और कूड़े में और पानी फंस के जो पूरा नाला है वो नाले में तब्दील हो गया है। और भी लोग हैं, ग्रामवासी हैं। भाई साहब आप यहीं पर रहते हैं? जी, इसी गांव में। क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह ये बताइए, बड़ा दिक्कतें हैं गांव में, तो बता रहे हैं कि सड़क में कोई साफ सफाई करनी भी नहीं आता है यहाँ पर, और नाली जो है सड़क के बीचों बीच में बह रही है, कोई आता नहीं यहाँ पे? जी नहीं आता है। कोई प्रतिनिधि, कोई नेता यहाँ पर आता नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, तो चुनाव आ रहा है तो क्या लग रहा है नेता लोग आएंगे कुछ है? हाँ, आएंगे शायद, फिर आके चले जाएंगे। गांव में बड़ा दिक्कतें बता रहे हैं कि देखिए जिस तरह से दिख ही रहा है, गांव से ज्यादा दिक्कतें हैं। जो नाली खड़ंजे के तो मान लो खड़ंजा भी लगा है, जो लगाते हैं प्रधान लोग है तो सही साल लगाते नहीं, और बना के चले जाते हैं, उसमें गांव वाले फिर कीचड़ कर देते हैं। जब इलेक्शन आता है तो वही नेता लोग आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट दीजिए यहाँ सब बताते हैं बस, बाकी जब वोट पा जाते हैं तब बैठ जाते हैं। तो विधानसभा कुछ दिनों बाद इलेक्शन है, उसमें भी तो है ये, तो एट्टी टन तो आना चाहिए कौशल किशोर को, सांसद जी हैं तो उनके पक्ष में तो सारे काम आते हैं, तो वो भी नहीं आते हैं, और इलेक्शन जब आएगा तब आएंगे यहाँ। आपके विधायक जी अवस्थी जी हैं ना? वो तो बिल्कुल आ ही नहीं जी गांव में, कभी कभी शक्ल नहीं दिखा है, वोट जो 5 साल हो रहे हैं वो तो आ ही नहीं गाँव में। इतने जनप्रतिनिधि को ही लोग नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है जमीनी स्तर पर क्या हालात होंगे। और विधानसभा क्षेत्र जो है बक्सी तालाब, इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक सारी जो खबरें हैं पहुँचाते रहेंगे। बहरहाल मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, GMD खबर लखनऊ।